करते हैं बेटा न्यूमेरिकल्स लास्ट टाइम थर्टी सिक्स तक हुए थे आज देखते हैं कहां तक पहुंच आसान so, है, है बहुत आसान है अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर फॉल्स थ्रू फोर्टी मीटर्स इन द लास्ट टू सेकेंड आप सबसे पहले क्या करें क्वेश्चन में इंटरप्रिटेशन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए कि आप डायग्रामेटिकली क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर पाओ लास्ट टू सेकेंड ऑफ इट्स मोशन सो मान लिया कि ये पूरी हाइट है हाइट है 40 मीटर्स नहीं फॉल्स थ्रू 40 मीटर्स इन द लास्ट टू सेकंड हाइट ऑफ द टावर निकालना है एच हाइट मान लिया टोटल और टाइम टोटल मान लिया टी हाइट मान ली एच टाइम मान लिया टी आपको बोला लास्ट टू सेकेंड में फोर्टी मीटर्स कवर करता है यही मतलब हुआ यही क्वेश्चन बना स्टार्टिंग पॉइंट मैंने ओ मान लिया ये पॉइंट मैंने ए मान लिया ये पॉइंट मैंने बी मान लिया ड्रॉप्ड बोला तो इनिशियल वेलोसिटी क्या ले ली जीरो राइट डाउनवर्ड को ले लेते हैं पॉजिटिव मोशन कंसिडर करो ओ से ए का ओ से ए का मोशन अगर कंसिडर करता हूं तो ओ से ए में डिस्प्लेसमेंट कितनी है एच माइनस फोर्टी एच पूरी है फोर्टी है लास्ट दो सेकेंड तो ये कितना हुआ एच माइनस फोर्टी तो एस इज इक्वल टू यू टी जीरो हो गया हाफ जी और ये टाइम कितना हुआ टी माइनस टू सेकेंड ये सो नो टोटल टाइम टी सेकेंड है दो सेकंड कर दिए कम तो ये टाइम कितना हुआ टी माइनस टू हाफ जी टी माइनस टू का स्क्वायर ये आ गई ओ से ए की इक्वेशन अब ओ से बी की इक्वेशन अगेन मैंने ए से बी की मोशन नहीं लिया क्योंकि फिर इनिशियल वेलोसिटी भी चेंज हो जाती ओ से बी तक का अगर आप मोशन कंसिडर करोगे तो एस यानी एच इज इक्वल टू यू टी माने जीरो हाफ टी स्क्वायर दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं एच की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो सब्सटीट्यूट सेकेंड एंड फर्स्ट एच की वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूं तो आता है हाफ जी टी स्क्वायर माइनस फोर्टी इज इक्वल टू हाफ जी टी माइनस टू का स्क्वायर ब्रैकेट खोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी यही बनेगा सबके साथ हाफ जी मल्टीप्लाई हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो गया जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जी टेन बोला है माइनस फोर्टी इज इक्वल टू ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी टी सो ट्वेंटी टी इक्वल टू सिक्सटी T equal to three seconds. So total time of flight कितना हो गया three seconds. इसको first equation में substitute कर दो आपके पास h आ जाएगा substitute in first, h की value हो गई g t square ninety by two forty five meters. So total height कितनी आई forty five meters. Situation समझ में आई टाइम दूंगा बेटा लिखने का पहले समझने पे फोकस करो ओ से ए तक का मोशन कंसिडर किया

तब तक आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करो कि सर इसमें ऐसे करो इसमें ऐसे करो मैं ऐसे पूछूंगा आपसे अ बॉल बॉल बाय आफ्टर क्या समझ में आता है ये है ये इसको उछाला मेरे हाथ में आ गई चार सेकेंड बाद मेरे हाथ में आ गई चार सेकेंड बाद क्या चीज हो गई डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई डिस्प्लेसमेंट जीरो, जीरो हो गई टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया ऊपर जाके नीचे आने का टोटल टाइम कितना हुआ फोर सेकेंड पहली लाइन से क्या क्या दिमाग में आया मैं वो कर रहा हूं पहले Ground से छत पे जाने का टाइम कितना हुआ? टू सेकेंड्स क्योंकि याद है ना टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ़ डिसेंट जितना ऊपर जाने का समय होता है उतना ही नीचे आने का समय होता है तो पहली एक लाइन पढ़ के मेरे को ये, ये चीज दिमाग में आती है आगे हाउ हाई डिड इट गो एंड वेलोसिटी वॉज इट थ्रोन ओके डायग्राम बनाते हैं यू से फेंका आई डोंट नो वॉट यू इज हाइट मुझे नहीं पता मुझे यह पता है यहां से ऊपर जाने का टाइम कितना हो गया टू सेकंड्स यह बात क्लियर है चार सेकेंड टोटल है तो टॉप तक जाने का टाइम कितना है टू सेकंड्स राइट सो मैं पहले इसको ओ मान लेता हूं इसको ए मान लेता हूं ओ से ए तक की बात करते हैं मैंने ले लिया अपवर्ड एज पॉजिटिव ओ से ए तक में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो हो गई प्लस एच O से ए तक की जो डिस्प्लेसमेंट हो गई वो हो गई ऊपर की तरफ एच कितना हुआ प्लस एच इनिशियल वेलोसिटी अननोन टाइम अनू सेकेंड एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कितना ग्रेविटी वो नीचे की तरफ एक्ट करती है माइनस जी कुछ जी नाइन पॉइंट एट स्पेसिफिकली बोला है तो माइनस नाइन पॉइंट एट मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर और क्योंकि मैं हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं तो फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होती है जीरो ये डाटा मुझे पता है अब मुझे निकालना क्या है, वी पता है यू नहीं पता टी पता है तो पहले तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से आप यू निकाल सकते हैं तो लगाए v इक्वल टू यू प्लस ए टी वी कितना जीरो यू अननोन एक्सेलरेशन माइनस नाइन पॉइंट एट टाइम टू सेकेंड आंसर आया यू की वैल्यू वाई नाइनटीन पॉइंट सिक्स मीटर्स पर सेकेंड पॉजिटिव आ गया इट मीनस ऊपर की तरफ है जो कि ऑब्वियसली ऊपर की तरफ ही है यू निकल गया हमें बोला हाउ हाउ वेलोसिटी आ गई हाई डिड इट गो में H निकालना है सो so, एच के लिए वी स्क्वाइनस यू स्क्वल टू टू एस लगा सकते हो या फिर एस एडी यूटी प्लस कॉल आपकी है कौन सा लगाऊं बोलो जो आपको अच्छा लगे दोनों से ये सारा डाटा ग्यून है कोई भी लगा लो सपोज मैं लगाता हूं V square minus u square equals to 2s. v square हो गया 19.6 square, माइनस 19 acceleration minus 9.8, s मतलब h माइनस से माइनस कट गया 19.6 एक कट गया तो h की वैल्यू भी कितनी आ गई 19.6 meters. So how सो हाउ हाई go? गो फर्स्ट साथ साथ सेंटेंस पहले, पहले से पहले डाटा इंटरप्रिट किया फिर मैं सेकेंड पर पहुंचा अब गलती सबसे बड़ी होती है पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते डाटा उधर यह डाटा उधर वो लगाना शुरू कर देते सोचो ध्यान से थर्ड हाउ फार बिलो इट्स हाइएस्ट पॉइंट वॉज इट थ्री सेकेंड आफ्टर स्टार्ट थ्री आफ्टर स्टार्ट वो हाइएस्ट पॉइंट से कितना नीचे होगा दो सेकेंड तक वो छत पे पहुंच रहा है तो थर्ड तीन सेकेंड में वो यहां पे होगा बीच में कहीं पे चार सेकेंड में वो वापस धरती माता पे आ गया ये बात मानते हो तो इसको करने के दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं पहला मेथड ध्यान देना इसको मैंने बी पॉइंट बोल दिया पहला मेथड सेकेंड पार्ट के लिए पहला मेथड कि आप यहां से मोशन स्टार्ट करो ए से बी तक का मोशन कंसिडर कर लो अगर मैं ए से बी तक का मोशन कंसिडर करता हूं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई क्योंकि ए पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो ए बी के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई जीरो आपको निकालना क्या है हाउ फार बिलो द हाइएस्ट पॉइंट आपको ये एक्स निकालना डिस्प्लेसमेंट हो गई माइनस एक्स क्योंकि डाउनवर्ड है मैंने कौन सा पॉजिटिव लिया है अपवर्ड पॉजिटिव लिया हुआ है एक्सेलेशन कितनी हो गई नीचे की तरफ है माइनस नाइन पॉइंट एट टाइम कितना हो गया वन सेकेंड क्या यह बात समझ में आती है क्योंकि मैंने मोशन कहां से कंसिडर किया ए से बी तक कंसिडर किया यहां तक नो no प्रॉब्लम अब लगाओ क्या पता क्या दिख रहा है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हावीडी स्क्वायर तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ माइनस नाइन पॉइंट एट इन वन स्क्वायर कट के एक्स आ गया फोर पॉइंट नाइन मीटर खत्म थर्ड पार्ट का आंसर क्लियर ऊपर से चार पॉइंट नौ मीटर दूसरा मेथड सपोज आप ऐसे नहीं करते मेथड टू जब भी हम एस की बात करते हैं एस एसिकोल यूटी प्लस आवेडी स्क्वायर में तो एस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू बी का मोशन कंसिडर कर रहा हूं ओ टू बी मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट हो गई ये लेंथ एच माइनस एक्स हमें एक्स निकालना था ना डिस्प्लेसमेंट हो गई एच माइनस एक्स इनिशियल वेलॉसिटी हो गई नाइनटीन पॉइंट सिक्स ऊपर की तरफ यह हो गई डिस्प्लेसमेंट टाइम कितना हो गया थ्री सेकेंड टाइम कितना हो गया थ्री सेकेंड्स एक्सेलरेशन कितनी हो गई माइनस नाइन पॉइंट एट क्या लगा सकते हो एस सी सीक्वल यूटी प्लस आवेडी स्क्वायर एच माइनस एक्स इज इक्वल टू नाइनटीन पॉइंट सिक्स इंटू टी माइनस हाफ नाइन पॉइंट एट इंटू थ्री स्क्वायर यहां से भी एक्स निकाल सकते हो सेम आ जाएगा आंसर लॉजिक समझ में आया लॉजिकली बात क्लियर है सो so आपकी कॉल है देखो इजी तो ये हो गया बट आपकी कॉल है आप ऐसे भी कर सकते हो मना नहीं है बट ध्यान क्या रखना है कि s डी यूटी प्लस आवेडी स्क्वायर में एस डिस्टेंस नहीं है एस क्या है डिस्प्लेसमेंट ठीक है दो चार करा दू फिर बैक आऊंगा आराम से लिख लेना कोई जल्दी नहीं है ये समझ में आ गया सबको क्लियर है ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा नेक्स्ट थर्टी नाइन अभी आ जाऊंगा बेटा वापसी ये है क्वेश्चन जो इनका सबसे ज्यादा सोचने वाला क्वेश्चन है इस पर मैं लगा देता हूं रेड फ्लैग रेड फ्लैग का यह मतलब नहीं है कि यह इंपॉर्टेंट है रेड फ्लैग का यह मतलब है कि यह क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट नया लॉजिक आपको दिमाग में आएगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है सोचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टिपिकल क्वेश्चन है ये टिपिकल क्वेश्चन है सोचने वाला सामने देखो अ मैन स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एक बंदा टॉप ऑफ बिल्डिंग पे खड़ा है सौ मीटर हाई प्लीज ध्यान दीजिएगा टाइम मिलेगा लिखने का तमीज से टाइम दूंगा तसल्ली से टाइम दूंगा लिखने के लिए 100 मीटर हाई बिल्डिंग पे एक बंदा खड़ा है ही थ्रोज टू बॉल्स वर्टिकली वन एट टी इक्वल्स टू जीरो अदर आफ्टर अ टाइम इंटरवल ऑफ लेस देन टू सेकेंड दो बॉल वो फेंकता है दो बॉल फेंकता है He throws two balls vertically, one at t equal to zero, other at time interval of two seconds. दो बॉल फेंकी पहले एक फेंकी फिर दूसरी फेंकी थोड़े गैप के बाद द लैटर बॉल बाद वाली बॉल इज थ्रोन एट अ वेलोसिटी ऑफ हाफ द वर्टिकल गैप हा सॉरी हाफ द फर्स्ट अगर फर्स्ट बॉल डी मैंने फर्स्ट बॉल मैंने यू स्पीड से फेंकी है तो दूसरी किससे फेंकी है यू बाई टू से यह बात समझ में आती है फर्स्ट बॉल अपवर्ड को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं इनिशियल वेलोसिटी

टाइम के बाद फेंकी थी सपोज गैप बोला था ना ही थ्रोज बॉल वर्टिकली वन आर इक्वल टू जीरो बात समझ में आती है यहां तक डाटा इंटरप्रिटेशन मैंने कर लिया यहां तक जो लिखना था लिख लिया मुझे दोबारा इस लाइन को नहीं पढ़ना पड़ेगा आगे द लेटर बॉल हो गया वर्टिकल गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड बॉल इज 15 मीटर्स एट टी इक्वल टू टू सेकंड्स दो सेकेंड के बाद दोनों के बीच में गैप कितना हो जाता है पंद्रह मीटर दो सेकेंड के बाद दोनों के बीच में गैप कितना हो जाता है पंद्रह मीटर कौन से दो सेकेंड के बाद स्टार्टिंग पहली बॉल को फेंका था उसके बाद दूसरी बॉल को फेंका पहली बॉल को फेंका उसके बाद दूसरी बॉल को फेंका पहली बॉल को फेंका तो उसको टीक्वल टू जीरो लिया ना यानी उस टाइम के दो सेकंड बाद दूसरी बॉल को जब मैंने फेंका हुआ है तो दोनों के बीच में गैप कितना है पंद्रह मीटर मान लिया दू दूसरी बॉल बॉल को लेट से बाद बाद फेंका फेंका होता होता या सो so, पहली बॉल दो तक हवा में रह चुकी है और दूसरी बॉल आधे सेकेंड डेढ़ सेकेंड तक हवा में रह चुकी है अगर दोनों को आधे सेकंड के गैप में फेंका था तो यही मतलब हुआ क्वेश्चन का आगे क्या बोला द गैप इज फाउंड टू रिमेन कॉन्स्टेंट पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया सिर्फ इतने से डाटा से गैप इज फाउंड टू रिमेन कॉन्स्टेंट मेन खेल ये है गैप कॉन्स्टेंट कब होगा गैप कॉन्स्टेंट कब होगा अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना सब छोड़ दो सिर्फ इस डाटा से पूरा क्वेश्चन पलट गया है. सिर्फ इस डाटा ने पूरे क्वेश्चन की पोल खोल दी है आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन करके दिखाता हूं साइड में आप मुझे बताना फिर उससे एक लॉजिक बनाएंगे ठीक है सामने देखना सपोज करो पहले पहले थियोरिटिकली सोचते हैं सपोज करो एक बॉडी के पास एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यही होता है एक्सेलरेशन का मतलब रेट एट विच स्पीड चेंजेस या वेलोसिटी चेंजेस वो होता है एक्सेलरेशन का मतलब अब सपोज करो आपने एक बॉडी को किसी स्पीड से ड्रॉप में ड्रॉपिंग में समझाता हूं उसमें आसानी होगी समझने में सपोज एक बॉडी को मैंने ड्रॉप किया सपोज एक बॉडी को ड्रॉप किया ड्रॉप किया तो यू इक्वल टू जीरो से फेंका मैंने U इक्वल टू जीरो से फेंका सपोज एक बॉडी को ड्रॉप किया सपोज एक बॉडी को ड्रॉप किया मैंने U इक्वल टू जीरो से इसे ड्रॉप कर दिया उसकी स्पीड बढ़ के कभी ना कभी टेन मीटर्स पर सेकेंड होगी कभी ना कभी टेन मीटर्स पर सेकेंड होगी ओके अगर मैं उसी वक्त प्लीज ध्यान दीजिएगा जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं अगर मैं उसी वक्त एक और बॉडी को थ्रो कर देता हूं अगर मैं उसी वक्त जब वो उसकी स्पीड टेन मीटर्स पर सेकेंड है एक और बॉडी को थ्रो कर देता हूं टेन मीटर्स पर सेकेंड से तो दोनों के बीच का गैप हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा क्यों लेट्स प्रूव इट लेट्स प्रूव इट मान लिया अब मैंने एक बॉडी को थ्रो किया यू इक्वल टू टेन मीटर्स पर सेकेंड से मैं ये एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं अभी आपको थियोर भी लॉजिकली समझाता हूं मैंने बोला एक बॉडी को मैंने जीरो से फेंका था कभी ना कभी उसकी स्पीड टेन होगी कितने डिस्टेंस के, हो uh, के बाद हो जाएगी? हाफ कितने डिस्टेंस के बाद होगी तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए जी को मैंने टेन ले लिया और एस तो एस आ गया पांच मीटर बाई बीस पांच मीटर तो पांच मीटर ट्रैवल करने के बाद 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 उसकी स्पीड कितनी होगी टेन जब पांच मीटर वो नीचे है तब मैंने एक दूसरी बॉल को थ्रो कर दिया सेम स्पीड से अब किसी और टाइम पे देखते हैं जरा फर्स्ट बॉल पे तवज्जो दीजिएगा इस बॉल को इधर से लेट से टी टाइम के बाद देखता हूं कितनी दूर जाएगी यह डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी यह डिस्प्लेसमेंट होगी या टोटल हाइट कितनी होगी एच इज इक्वल टू हाफ या टी uh, टाइम के बाद अगर देखता हूं पहले यहां पर टाइम भी निकालना पड़ेगा वी इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी टाइम आ गया वन सेकेंड तो इस बॉडी का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वी स्व एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी प्लस वन का होल स्क्वायर yes no? ये सो नो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गई उस बॉडी की इस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी एस टू यू टी प्लस हाफ जी स्क्वायर, यस और नो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो जब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा मेरे पास रिजल्ट पांच मीटर आएगा दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना होगा S1 वन माइनस एस टू हाफ जी टी प्लस वन का होल स्क्वायर। माइनस टेंटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर करो सॉल्व हाफ टेन टी स्क्वायर प्लस हाफ टेन वन स्क्वायर प्लस हाफ टेन टू टी माइनस ट्वेंटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हाफ जी टी स्क् हाफ जी टी स्क्र कट गया माइनस टेंटी और प्लस टेंटी कट गया गैप कितना आया पांच मीटर आया कि नहीं आया ये वाला कट के मतलब गैप क्या रहा कांस्टेंट रहा खुद लॉजिकली सोचो यार एक बॉडी है वो किसी स्पीड पे है यहां पे गिरते गिरते यहां पे किसी स्पीड पे है अगर उसी स्पीड पे किसी और बॉडी को मैं थ्रो कर दू सेम स्पीड पे किसी और बॉडी को थ्रो कर दू तो किसी भी एक मोमेंट पे इसकी स्पीड है अटेन इसकी भी स्पीड है अटेन तो जब बढ़ेगी तो जब इसकी टेन से ट्वेंटी होगी इसकी भी तो टेन से ट्वेंटी हो जाएगी क्योंकि क्योंकि एक्सेलरेशन तो दोनों की सेम है ना लॉजिकली समझ में आई ये बात ठीक अब जरा इसको मैथमेटिकली देखते हैं वर्ड्स में कैसे बोलेंगे मैंने बोला ध्यान देना मैंने बोला फॉर गैप बिटवीन टू बॉडीज फॉर गैप बिटवीन टू बॉडीज टू रिमेन सेम एज कितना गैप है 15 मीटर्स 15 meters we can say that the final velocity the velocity of first body the yeah, velocity of Throw of second body is same as the velocity of first body at that instant. Second body ki throwing speed. सेम होगी उस वक्त फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी के तभी तो गैप कांस्टेंट रह सकता है सेकेंड बॉडी को जिस स्पीड से मैं थ्रो कर रहा हूं वो सेम होगा उस वक्त की उस मोमेंट की फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी के मतलब देरफोर क्या कह सकते हैं हम कितनी देर बाद सेकेंड बॉडी सेकेंड बॉल इज फिफ्टीन मीटर एट टी इक्वल्स टू टू सेकेंड पंद्रह मीटर का गैप है देरफोर

सॉल्विंग करो कितना आया माइनस थ्री यू स्क्वायर फोर इज़ इक्वल टू माइनस थर्टी इंटू नाइन पॉइंट एट नाइन पॉइंट एट बोला जी टेन तो नहीं बोला जी टेन तो नहीं बोला कहीं पे ठीक है आई गेस उसने टेन लिया होगा तभी वैल्यू वो आ रही है कोई बात नहीं अब टेन लेके करते हैं एक मिनट कैलकुलेशन छोटी छोटी हो जाएगी ये हो गया आपका टेन हंड्रेड फोर हंड्रेड यू स्क्वेर इज फोर हंड्रेड यू इज ट्वेंटी मीटर्स पर सेकेंड मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल वो है ट्वेंटी मीटर्स पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल वो हो गया टेन मीटर्स पर सेकेंड क्या ये बात समझ में आ गई टाइम गैप निकालना है टाइम गैप को मैंने टी मान लिया तो अगर आप टाइम गैप निकालना है सो वीज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो वी की वैल्यू कितनी हो गई ट्वेंटी oh 10, 10 ना उसकी स्पीड टेन इज इक्वल टू ट्वेंटी प्लस एक्सेलरेशन माइनस जी इन टू टी तो टाइम गैप आ गया टी इक्वल टू टेन टाइम गैप आ गया वन सेकेंड यह क्वेश्चन है टिपिकल क्वेश्चन ये टिपिकल क्वेश्चन है ठीक दोबारा समझो मैंने बोला एक बॉडी को मैंने ऊपर फेंका या नीचे फेंका या कहीं पे भी फेंका एक बॉडी को मैंने थ्रो किया उस बॉडी की जो वेलोसिटी है किसी मोमेंट पे अगर उसी वेलोसिटी से किसी बॉडी को थ्रो करता हूं तो दोनों के बीच का टाइम गैप कांस्टेंट रहेगा दोनों के बीच का टाइम गैप नहीं दोनों के बीच का डिस्टेंस कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि दोनों का रेट एट विच वेलोसिटी चेंजेस वो क्या है सेम है उस मोमेंट के बाद उन दोनों के बीच में गैप क्या रहेगा कांस्टेंट तो खेल सारा इसका है गैप इज फाउंड टू रिमेन कांस्टेंट अगर ये गैप कांस्टेंट नहीं होता तो यहां कुछ ना होता ठीक पहले इतना लिख लीजिए फिर हम आगे चलते हैं ऑनलाइन सबको क्लियर है यहां तक आप सबको समझ में आया प्लीज लिख लीजिए अगर कोई डाउट आए दोबारा पूछिए नेक्स्ट इसमें वो कर लो, कर लो करेक्शन ये मैंने जी को यहां नाइन पॉइंट एट लिखा था आगे जाके टेन कर दिया था तो नाइन पॉइंट एट से भी आ जाएगा या मैंने टेन लेना था आगे ध्यान दीजिए नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी ये कह रहा है अ बॉडी थ्रोन अप विद ऑफ सेवेंटी एट पॉइंट फोर आपने यहां से ऊपर फेंका 78.4 एट मीटर्स पर सेकंड से फाइंड हाउ हाई विल इट राइज एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड कितना ऊंचा जाएगी और धरती माता पे आने में कितना समय लेगी ये कर सकते हो अटेम्प्ट अभी खुद करना अटेम्प्ट फिर मैं करूंगा मैं स्टार्ट दिया सिर्फ आपको वही पॉइंट ले लेता हूं ओ से ए और ए से बी हाइट मान लो एच जब आपको हाइट निकालना है तो क्या कंसिडर करोगे ओ से ए तक का मोशन जब आपको हाइट निकालना है तो क्या करोगे ओ से ए ए तक का और पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जीरो राइट right? कर सकते हो दिमाग लगा सकते हो और हाउ हाई एंड हाउ मच टाइम आप यहां से यहां तक का ही टाइम निकाल लो डबल कर दो तो, टोटल टाइम आ जाएगा अभी करना आपके पास ये मैं दो चार एक्सप्लेन कर रहा हूं उसके बाद आप करना आंसर नंबर फोर्टी वन अभी करूंगा मैं मैं सारे करूंगा पहले आप अटेम्प्ट करेंगे अगला बॉल थ्रोन वर्टिकली अपनी क्वेश्चन है फिर यह नीचे गिरेगा ग्राउंड तक द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल थ्रोन इज ट्वेंटी फाइव मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पच्चीस मीटर ऊपर से मैंने फेंका यह ओ पॉइंट से फेंक दिया हाउ हाई द बॉल विल राइज ओ से ए तक का पॉइंट मान लो पहले ओ से ए तक की बात करते हैं ओ से ए तक डिस्प्लेसमेंट को मैंने एच डैश बोल दिया एच डैश डिसप्लेसमेंट ले ली एच डैश सो एस पता है यू मैंने अपवर्ड पॉजिटिव लिया अगर कुछ भी नहीं लिखते तो बाई डिफॉल्ट अपवर्ड क्या होता है पॉजिटिव डाउनवर्ड पॉजिटिव हो तो स्पेसिफाई करना पड़ता है U की वैल्यू हो गई प्लस ट्वेंटी गुरुत्वाकर्षण बोल रहा है दस लेने के लिए g हो गया माइनस टेन मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटी नीचे लगेगी राइट एक क्वेश्चन लगाओ s, टाइम नहीं पता v पता है v हाईएस्ट पॉइंट पे क्या है जीरो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू टू इंटू माइनस टेन इंटू एच डैश एच डैश आ गया ट्वेंटी मीटर सो हाइट फ्रॉम ग्राउंड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड वो हो गया फोर्टी फाइव मीटर्स पच्चीस मीटर वो ऑलरेडी ऊपर था और बीस मीटर और आगे ऊपर चला गया तो टोटल हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितना हो गया 45 मीटर्स और हाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर कितना हो गया 20 मीटर्स ये बात समझ में आ गई अगला हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर द बॉल टू हिट द ग्राउंड बी पॉइंट तक की बात कर रहे हैं अब मोशन पूरा ले लो ओ से बी तक का ओ से बी तक का कंप्लीट मोशन ओ से बी तक का कंप्लीट मोशन इनिशियल वेलोसिटी है प्लस ट्वेंटी फाइनल वेलोसिटी मन ने ना बेरा आई डोंट नीड आई डोंट वॉन्ट आई डोंट हैव इट डिस्प्लेसमेंट ये स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट रस्ते में उसने जो भी किया हो इनिशियल से फाइनल नीचे की तरफ है 25 मीटर माइनस पच्चीस मीटर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होता है माइनस टेन ठीक लग क्या निकालना था टाइम सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए स्क्वेयर आ गया फाइव फाइव पूरे में से कट गया माइनस फाइव इज इक्वल टू फोर टी माइनस टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस फाइव इक्वल टू जीरो यस और नो फैक्टर क्या बनेंगे माइनस फाइव एंड प्लस माइनस फाइव ओ माइनस फाइव आएगा माइनस फाइव एंड प्लस वन माइनस फाइव एंड प्लस वन t square minus 5 t plus t t बन गया गया तो कितना आ थोड़ी ना हो सकता answer. समझ में आ गई अप्रोच अब ऐसा आएगा तो मैं तुमसे करवाऊंगा यहां तक समझ में आता है 41 के बाद आ जाओ 42 पे दो चार पांच कर रहा हूं जो जो करने वाले होंगे स्टार्ट करके छोड़ूंगा आप करेंगे अभी आंसर 42. वन था ना पिछला फोर्टी टू अब बलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ फोर्टीन मीटर्स पर सेकेंड कल किया था हमने हॉट एयर बलून वाला क्वेश्चन लास्ट लास्ट क्लास में एक बलून है ये असेंड कर रहा है एट द रेट ऑफ फोर्टीन मीटर्स पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ नाइनटी एट मीटर्स अब द ग्राउंड नाइनटी एट मीटर्स अब द ग्राउंड अ पैकेट इज ड्रॉप फ्रॉम द बलून एक पैकेट ड्रॉप करोगे तो पैकेट ऐसे गिरेगा याद है इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है जो बलून की वेलोसिटी है हाउ मच टाइम विल इट टेक एंड विद व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच तो ओ से इस पॉइंट तक की ही बात कर रहे हैं सीधा तो डाटा क्या क्या गिवन है आप बोलो बेटे आप बताओ अपवर्ड अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो यू कितना होगा आप बताओ हा यू अपवर्ड होगा वैल्यू कितनी होगी जीरो फोर्टीन परफेक्ट प्लस फोर्टीन क्योंकि ऊपर की तरफ है प्लस स्पीड यूनिट्स क्या हो गए मीटर्स पर से फोर्टीन मीटर्स पर सेकेंड ओके okay. इसके बाद ए पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है टाइम हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटे आप बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना ऊपर ए का नीचे ओ से ए तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा माइनस नाइनटी एट सोचा कर बोलने से पहले माइनस नाइनटी एट तू नहीं बताया ना तो सोच बेटा पहले ऐसे मत बोला करो एकदम से एक्सेलरेशन कर्वन कितना होगा एक्सेलरेशन बेटे वही कितना 9.8 पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव तो बोलो ना बेटा माइनस साइन के साथ माइनस नाइन मीटर पर सेकंड स्क्वायर अब डाटा सारा आ गया आपको वी और टी निकालना है क्या लगाओगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर उससे वी आ जाएगा सो वी स्क्वायर वी माइनस फोर्टीन का स्क्वायर इक्वल्स टू टू इंटू माइनस नाइन पॉइंट एट इंटू नाइन माइनस नाइनटी एट ठीक इट इससे आप वी ए निकाल सकते हैं ये आ गया फोर्टीन का स्क्वायर प्लस टू इंटू नाइनटी एट का स्क्वायर अपॉन टेन नीचे फाइव मिनिमाइज करके दिखाऊं कैलकुलेशन 14 का स्क्वायर कॉमन ले लो वन बचा यहां पे फोर्टीन इंटू कितना होता है नाइनटी एट सेवन सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन बाय फाइव ये आ गया फोर्टीन का स्क्वायर इंटू फिफ्टी फोर बाय फाइव तो वी ए आ गया ये वी ए स्क्वायर था वी ए आ गया फोर्टीन रूट फिफ्टी फोर बाय रूट फाइव इससे छोटी नहीं हो सकती कैलकुलेशन ज्यादातर बार ना कटके आंसर आ जाता है ज्यादातर बार ठीक इसके बाद टाइम निकालना है तो क्या यूज करोगे एस एस इकोट यू टी प्लस बनेगी बेटर रहेगा यूज कर लो बेटर रहेगा बट इससे एग्जैक्ट वैल्यू कैसे आ रही है एक मिनट देखता हूं ये टेन हो गया रूट टेन थ्री पॉइंट समथिंग होता है थ्री पॉइंट समथिंग इन टू फोर्टीन फोर्टी का समथिंग आ रहा है ठीक है कैलकुलेशन है अप्रोक्सिमेट आएगा फोर्टी सिक्स मीटर्स पर सेकेंड ठीक अगला सेकेंड पार्ट इसका क्या है टाइम निकालना है तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर लो ये सॉल्व करके आ रहा है मीटर्स पर सेकेंड ये सॉल्व करके आ रहा है फोर्टी सिक्स के आसपास सो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी प्लस ए टी टाइम कितना दिया हुआ है निकालना है। क्या ये ठीक है क्या ये ठीक है मैंने एक गलती की है और जानबूझ के की है। परफेक्ट वेरी गुड आई लव यू सो मच अब एक बात सुनो ध्यान से वीए था ये। जब आप स्क्वायर रूट करते हो तो दो आंसर आते हैं प्लस माइनस कौन सा सिलेक्ट करोगे डायरेक्शन डिपेंडेंट ए जो होगा वो नीचे की तरफ है तो अब ये लोगे नेगेटिव नेगेटिव 46, सिक्स so सो ये वैल्यू लोगे माइनस फोर्टी सिक्स भी नेगेटिव तो वैल्यू पुट करो 9.8 पॉइंट एट इन टी इज इक्वल टू सिक्सटी तो टी की वैल्यू होगी सिक्सटी अपॉन नाइन पॉइंट एट सेकेंड समझ में आ गया कैलकुलेशन छोड़ दू तो लॉजिक क्लियर है आगे आ जाओ फोर्टी थर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर अस्टोन इज ड्रॉप्ड ड्रॉप्ड मतलब यू हो गया जीरो इट कवर्स ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव मीटर्स इन द लास्ट सेकेंड लास्ट सेकेंड टी टाइम टोटल मान लिया यह कौन सा हो गया टीए सेकेंड इसमें मूव कर रहा है ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव मीटर्स आपको हाइट निकालनी है लगाओगे दिमाग अब यहां तक आप कीजिए वो पिछला वाला कंप्लीट कीजिए जो बीच के लिखने लिखिए और फिर हम आगे चलते हैं। देखिए दोनों करता हूं जो मैंने आपको दिए थे पहले फोर्टीएथ चेक कीजिए स्टेप्स आपको बोला बॉडी थ्रोन अप वेलोसिटी ऑफ 78.4। कुछ नहीं लिख रहा कन्वेंशन मतलब मैं अपवर्ड को क्या ले रहा हूं पॉजिटिव तो यू की वैल्यू हो गई प्लस मोशन कंसीडर कर रहा हूं ओ से ए तक का तो यू हो गया प्लस सेवेंटी एट पॉइंट फोर मीटर्स डिस्प्लेसमेंट हो गई एच विच इज अनोन आपको फाइनल वेलोसिटी हो गई जीरो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाती है जीरो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है माइनस नाइन पॉइंट एट अप्लाई कीजिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू एस माइनस नाइन पॉइंट एट इंटू एस 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 एच सो कितना आया सोल्व करके वैल्यू सॉल्व कीजिए एच माइनस माइनस कट गया सेवेंटी एट पॉइंट फोर इंटू सेवनटी एट पॉइंट फोर अपॉन नाइनटीन पॉइंट सिक्स ये कट गया आया फोर सेवेंटी एट पॉइंट फोर इंटू फोर आ गया तीन सौ तेरह पॉइंट छ मीटर्स पहला पार्ट क्लियर फर्स्ट पार्ट डन आगे क्या बोला हाउ लॉन्ग इट टेक टू रिटर्न पहले यहीं तक का टाइम निकाल लेते हैं यहीं तक का टाइम निकाले तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी अप्लाई करें v कितना जीरो u कितना u कितना 78.4 फोर मीटर्स पर सेकेंड और एक्सेलरेशन माइनस नाइन पॉइंट एट इन टी यू जीरो बेटा थ्रो किया यू जीरो कैसे हो गया तो t की वैल्यू कितनी आ गई एट सो टोटल टाइम कितना हो गया डबल कितना आ गया सिक्सटीन सेकेंड ठीक है करेक्ट है ये सब, सब कैंसिल होने वाली वैल्यूज दी हुई है जब तक जी टेन बोला ना जाए नहीं लेना आगे आ जाओ इस क्वेश्चन पे फोर्टी थर्ड पे फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर स्टोन इज ड्रॉट ड्रॉप इट कवर्स ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव मीटर इन दास्ट सेकेंड सो डिस्टेंस ट्रेवल इन एन एच सेकंड ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव ज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू डाउनवर्ड मैंने पॉजिटिव ले लिया ए बाई टू टू टी माइनस वन ये कटके आया फोर पॉइंट नाइन फोर पॉइंट नाइन इंटू फाइव फाइव इज इक्वल टू टू टी माइनस वन टी आ गया थ्री सेकेंड्स टोटल टाइम आ गया थ्री सेकेंड्स फाइंड द हाइट ऑफ द टावर सो पूरे मोशन के लिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस आफ ए डी स्क्वायर लगा दीजिए टोटल टाइम आप निकाल चुके हैं डिस्प्लेसमेंट एच यू जीरो हाफ ए की वैल्यू नाइन पॉइंट एट टाइम का स्क्वायर माने थ्री इंटू थ्री सो आया फोर पॉइंट नाइन इंटू नाइन आंसर आया फोर्टी फोर पॉइंट वन मीटर्स सो हाइट टोटल आ गई फोर्टी फोर पॉइंट वन मीटर्स ये सबका आ गया आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्टी फोर्थ एंड फोर्टी फिफ्थ आंसर फोर्थ एंड फोर्टी फिफ्थ ध्यान दीजिएगा 44. कह रहा है फोर्टी फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ अ टावर ऑफ हाइट एच एच है फ्रॉम द रूफ ऑफ द टावर आपने बॉल को ड्रॉप किया टोटल डिस्टेंस कवर्ड इट इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इज़ इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाईट इन द फर्स्ट थ्री सेकंड लास्ट सेकेंड टोटल टाइम टी सेकेंड्स का मान लिया तो ये टीए सेकेंड हो गया फर्स्ट थ्री सेकेंड के डिस्टेंस के बराबर है तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टीए सेकेंड का डिस्टेंस इज टोटल डिस्टेंस इन थ्री सेकेंड टी एथ सेकेंड का डिस्टेंस कितना हो गया यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन और फर्स्ट थ्री कितना हुआ यूटी प्लस हाफ ए टी और नो यू टी प्लस बचा टू टी माइनस वन इक्वल टू नाइन टी की वैल्यू आ गई फाइव सेकेंड आपको निकालना क्या है वॉट इज द वैल्यू ऑफ एच सो एच पूरे मोशन के लिए आप लगा दो तो एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए ए कितना बोला है टेन टी स्क्वायर आंसर आ गया 125 मीटर इजी क्वेश्चंस अप्रोच समझ में आ रही है अच्छे से क्लियर नेक्स्ट फॉर्टी फिफ्थ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ स्पीड यू

माइनस जी टी मानते हो वीजो डू यू प्लस ए टी ऊपर फेंका है। दूसरी बॉडी एट द सेम इंस्टेंट अदर बॉल बी इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम हाइट एच एच हाइट से एक बॉडी को रिलीज कर दिया रेस्ट पे तो इसके लिए वी क्या होगा यू माइनस जी टी और नो वी और वी बी दोनों आ गए आपको क्या निकालना है आपको क्या निकालना है रिलेटिव स्पीड रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है वी ए माइनस बी बी सो यू प्लस यू माइनस जी टी माइनस ऑफ माइनस जी टी रिजल्ट कितना आया यू तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई यू अभी ये कॉन्सेप्ट हम थोड़ी देर में यूज करेंगे रिलेटिव का कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर में यूज करेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है वो दोनों की वेलोसिटीज के सम के बराबर है के के जीरो दोनों की रिलेटिव किसी भी मूवमेंट पर यू प्लस जीरो के बराबर आएगी सो अगर दोनों को किसी स्पीड से फेंका होता तब क्या होता अभी उस पर भी आऊंगा ये बात समझ में आती है नेक्स्ट फोर्टी So, और ये है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वही चीज आ गई देखो ध्यान से देखो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है अ बॉल इज ड्रॉ अब ड्रॉप फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ हाइट हाइट एच मीटर्स की से एक बॉल को आपने ड्रॉप कर दिया फोर्टी फाइव मीटर की हाइट से आपने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया तो यू कितना हो गया जीरो साइमल्टेनियसली अनदर बॉल इज थ्रोन अप विद स्पीड ऑफ फोर्टी मीटर्स पर सेकेंड एक बॉल को ऊपर फेंका फोर्टी मीटर्स पर सेकेंड से कैलकुलेट द रिलेटिव स्पीड ऑफ दाइम रिलेटिव स्पीडीट पर दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा क्यों क्योंकि अगर दोनों को सेम स्पीड से फेंकते हो तो दोनों के बीच का क्या हो गया जीरो भी मोमेंट पर उनकी दोनों की सेम स्पीड हो गई तो आगे वो डिस्टेंस क्या रहेगा कांस्टेंट क्योंकि रिलेटिव दोनों का क्या हो गया जीरो रिलेटिव जीरो होगा तो गैप सेम रहेगा कि नहीं रहेगा रिलेटिव जीरो होगा तो यहां पे भी वही चीज है जब दो बॉडीज आप अपोजिट डायरेक्शन में फेंकते हो तो रिलेटिव वेलोसिटी किसके बराबर होता है दोनों के इनिशियल वेलोसिटीज के सम के क्योंकि दोनों में चेंज तो सेम ही आएगा ना ग्रेविटी तो दोनों पे सेम इफेक्ट डाल रही है मैथमेटिकली भी आप कर सकते हो इसको मैंने ए बोल दिया इसको मैंने बी बोल दिया वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो गया जीरो माइनस जी टी अपवर्ड पॉजिटिव लिया है मैंने और वेलोसिटी ऑफ बी किसी भी मोमेंट पे कितना हो गया 40 अब मुझे ऑफ विद रिस्पेक्ट टू निकालना है तो वो कितना होगा VA VB होगा कि नहीं होगा 40 माइनस जी टी ऊपर है जी नीचे लग रहा है हमेशा गुरुत्वाकर्षण तो चाहे बॉडी ऊपर जाए चाहे नीचे जाए जी हमेशा डाउनवर्ड होगा वी ए माइनस करूंगा तो कितना होगा माइनस जी माइनस ऑफ फोर्टी माइनस जी टी तो आंसर तो कितना, तो तो कितना आ गया -40 तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 40 तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी नहीं रिलेटिव स्पीड बोला था तो आंसर कितना आया 40 ठीक है अब आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो हाँ जी बेटा बोलो ये 0 gt 0 gt ग्रेविटी नीचे लग रही है ठीक है अब इधर देखो बाय चांस ये मैं इस क्वेश्चन के लिए नहीं अदरवाइज कर रहा हूं ये एच आइट है आपने एक बॉडी को नीचे फेंका यू वन वेलॉसिटी से एक बॉडी को ऊपर फेंका यू टू वेलॉसिटी से एक बॉडी को ऊपर से नीचे फेंका यू वन वेलॉसिटी से एक बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका यू टू वेलॉसिटी से दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी फोर्ट यू वन प्लस यू टू कैसे फर्स्ट वाले की वी कितनी होगी यू प्लस जी टी अगर मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव ले रहा हूं इधर मैंने अपवर्ड पॉजिटिव से किया इधर मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव से करके दिखा रहा हूं सेकेंड की कितनी होगी u u2 gt यस और नो तो रेलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई रेलेटिव वेलोसिटी v ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 कितना हो जाएगा v1 v2 सॉल्व करोगे ये आ जाएगा u1 u2 सो so, दोनों की इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी एड ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी ये दोनों का होगा रिलेटिव वेलोसिटी मतलब अगर मैं ये यहां पे आता है और ये यहां पे आता है तो टी टाइम दोनों को लगा एक दूसरे को क्रॉस करने में तो टाइम कितना आप निकाल सकते हो टाइम हो सकता है रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी वो कितना हो जाएगा एच अपॉन वी वन प्लस सॉरी यू वन प्लस यू टू इतना टाइम लगेगा अब बच्चे कहते हैं जो कि पूछना भी चाहिए था जो आपको अभी तक मुझसे पूछ लेना चाहिए था कि सर अब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा रहे हो ये कैसे एप्लीकेबल है एक्सेलरेटेड मोशन है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम थोड़ी ना लगता है एक्सेलरेटेड मोशन में ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है रिलेटिव में क्यों रिलेटिव में एक्सेलेशन नहीं है क्यों नहीं है जरा फर्स्ट वाले की देखना जरा फर्स्ट वाले की देखना एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट कितना है डाउनवर्ड जी एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड कितना है डाउनवर्ड जी एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू कितना हो गया ए वन माइनस ए टू कितना सॉल्व करके आया जीरो तो रिलेटिवली ये क्या हो गया यूनिफॉर्म मोशन तो यहां पर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लग सकता है तो ये शॉर्टकट्स हैं, ये शॉर्टकट टेक्निक्स हैं, आगे के क्वेश्चन में काम आएगी शॉर्ट टेक्निक्स आगे के क्वेश्चन में काम आएगी जब एक बॉडी को ऊपर से नीचे एक बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका तो कितना टाइम लगेगा दोनों को क्रॉस करने में यूनिफॉर्म मोशन है एक्चुअल में नहीं है यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि दोनों की एक्सेरेशन सेम है एक्सेलरेशन सेम है यहां पे वही उसी क्वेश्चन पे, पे उसमें भी क्या हुआ रिलेटिवली एक्सेरेटेड मोशन नहीं है दोनों का. रिलेटिवली दोनों का क्या है यूनिफॉर्म मोशन समझ में आई बात सो so, इधर देखो बाई चांस एक बॉडी को आपने मीटर्स पर सेकेंड से फेंका एक को आपने कोटी से फेंका तो दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई अगर 200 मीटर की बिल्डिंग है तो दोनों को क्रॉस करने कितना question, में कितना टाइम लगेगा पांच सेकंड खत्म ओरल क्वेश्चन एमसीक्यू में टक्का आंसर अदरवाइज मैथमेटिकली भी आएगा मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करना है वो भी अभी शो करूंगा आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे आएगा अभी थोड़ी देर में आएगा उस पर बेस भी क्वेश्चन फोर्टी और फोर्टी एट 47th पे पहले ध्यान दीजिए और ये जो मैंने पीछे लिखा ना ये इंपॉर्टेंट है आपका एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बहुत काम आने वाला है ये ये आगे बहुत काम आने वाला है इसको प्लीज दिल से याद कीजिएगा नेक्स्ट 47th a ball is thrown up it reaches a maximum height and then comes down एक बॉल है उसको ऊपर फेंका मैक्सिमम हाइट तक आई and then it comes down. If t1 and t2 are the times the ball takes to be at a particular height, okay, ध्यान देना, इस particular height की बात करता हूँ, तो t1 time कौन सा होगा? ये होगा t1. एक मिनट, कौन सा बड़ा है? t2 बड़ा है. तो ये time होगा t1, मानते हो? और ये टाइम होगा t2, सेम हाइट पे आने का. कल भी हम एक क्वेश्चन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था एस इज इक्वल यू टी प्लस अगर आप लगाते हो तो T की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है मतलब आर टू टाइम्स एट एट द सेम डिस्प्लेसमेंट रूट्स ऑफ द इक्वेशन जिसमें यूज किया था सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यूज किया था जिस क्वेश्चन में मैं उसी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं एक बॉडी को मैंने ऊपर फेंका एक बॉडी को मैंने ऊपर फेंका लेट्स से 20 मीटर्स की टोटल हाइट तक गई तो पांच मीटर की हाइट पे वो दो बार आई है एक बार जाते वक्त और एक बार वापस आते वक्त तो अगर मैं यूटी प्लस आर डी स्क्वायर लगाता हूं तो एस को अगर मैं पांच मीटर डालता हूं तो टी की दो वैल्यूज आएंगी एक क्या रिप्रेजेंट कर रही है ऊपर जाते वक्त वाला टाइम और एक क्या रिप्रेजेंट कर रही है नीचे आते वक्त वाला टाइम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे वही दो रूट्स यहां पे क्या दिए टी वन प्लस टी टू आपको क्या बोला फाइंड द टाइम टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट अब एक इसका शॉर्टकट पहले पॉइंट बता देता हूं फिर उसके बाद आप जो मर्जी करना जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना नीचे आने में लगता है तो अगर ये टाइम टी वन है तो ये टाइम भी टी वन होगा सो टोटल टाइम हो गया टी टू प्लस टी वन आधा टाइम टी टू प्लस टी वन बाई टू डी आंसर ठीक मैथमेटिकली करते हैं, ये तो एमसीक्यू में हो गया ना बाई चांस अब मैथमेटिकल क्वेश्चन आ गया ये एमसीक्यू के फॉर्मेट पे नहीं आता सपोज पोजी फॉर्मेट में नहीं आता फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिम हाइट आ जाता है ऐसे वर्ड्स में आ जाता है क्वेश्चन तो कैसे करोगे मान लिया हाइट एच ए आप इक्वेशन बनाओगे मैंने डाउनवर्ड कोड पॉजिटिव लू अपलोड अपवर्ड लू बोलो बोलो जैसे तुम बोलो अपवर्ड पॉजिटिव ले, ले लेता हूं अगर अगर अप पॉजिटिव लेता हूं तो एच पॉजिटिव हो गया अगर डाउन लेता तो एच नेगेटिव होता क्योंकि ऊपर जा रहा था एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क् हो गया एच सिंप्लीफाई जी टी स्क्वायर माइनस टू यू टी प्लस टू एच इक्वल टू जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी सम ऑफ रूट्स रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन वो हो गए टी वन एंड टी टू दो टाइम है जहां पे वो सेम हाइट पे क्रॉस कर रहा है और टी टू हमें ग्रेटर दिया है टी वन के तो सम ऑफ द रूट्स कितना हो गया माइनस बी बाय प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना हुआ सी बाय रख लो संभाल के कैसा लग रहा है देखने में बढ़िया है सुंदर रख लेते हैं संभाल के आपको क्या निकालना है आपको निकालना है हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा आपने यू वेलोसिटी से फेंका हाईएस्ट पॉइंट पे वो क्या है स्पीड जीरो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या है जीरो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो ओ से ए तक का मोशन कंसिडर कर रहा हूं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दे. है जीरो यू यू कितना है U. A है ए माइनस जी टाइम टी तो टाइम आ गया यू बाई जी और ये रही यू बाई जी की वैल्यू यू बाई जी कितना है टी वन प्लस आ गया टी वन प्लस ट्री टू बाई टू खत्म समझ में आया ये हो गया मैथमेटिकली लॉजिकली सोचना है दोबारा सुन लो T1 जाने का टाइम है तो T1 ही इतने हाइट से वापस टू प्लस so, हो टी होगा। सो आधा कितना हुआ T2 टू प्लस टी वन, so, वन बाई टू समझ में आ गई बात लॉजिकली भी क्लियर है मैथमेटिकली भी क्लियर है ठीक है यहां तक लिखिए फोर्टी अभी आप अटेम्प्ट कीजिए ये लिख लिया था ना ये हो गया था ना यहां से लिखिए फोर्टी एट आपको अटेम्प्ट करना है देखिए सामने क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट अ पैराशूटिस्ट ड्रॉप्स फ्रीली फ्रॉम एन एयरप्लेन फॉर टेन सेकेंड्स बिफोर द पैराशूट ओपनस आउट ड्रॉप्स फील फ्रीली तो यू हो गया जीरो यू हो गया जीरो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 48 तो यू हो गया जीरो यहां से आपने ड्रॉप किया फॉर टेन सेकेंड्स तो 10 सेकेंड तक वो फ्री फॉल कर रहा है तो ग्रेविटी लग रही है डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लिया मैंने तो ओ पॉइंट से वो शुरू हुआ था ए पॉइंट तक वो ग्रेविटी से गिरा यहां तक मतलब समझ में आया तो पहले इस ए पॉइंट तक का सारा क्रेडेंशियल निकाल लेते हैं बाकी बाद में देखेंगे ए पॉइंट पे वेलोसिटी नहीं पता v इज इक्वल टू यू प्लस ए जी और टाइम टेन आ गया नाइंटी एट मीटर्स पर सेकेंड ए पॉइंट पे वेलोसिटी आ गई नाइन मीटर ए पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू नाइन पॉइंट एट इंटू टी स्क्वायर टेन इंटू टेन कितना हुआ चार सौ नब्बे मीटर यहां तक क्लियर फोर पॉइंट नाइन इंटू हंड्रेड कितना फोर हंड्रेड नाइनटी मीटर तो पहली डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो गई 490 मीटर्स यहां तक नो प्रॉब्लम आगे आते हैं रिटारीटर्सेंड स्क्वायर इसके बाद जो एक्सेलरेशन है वो उल्टी डायरेक्शन में हो गई क्योंकि वेलोसिटी नीचे रिटार्डेशन होने का मतलब एक्सेलरेशन क्या हो ऊपर की तरफ तो अब एक्सेलरेशन हो गई उसकी ऊपर की तरफ अब उसकी एक्सेलरेशन हो गई ऊपर की तरफ और वैल्यू कितनी आई टू ऊपर की तरफ मैंने नेगेटिव लिया टू मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटी के बाद ओवरऑल इफेक्ट टू का दिया हुआ है उसने क्या बोला कि नेट रिटार्डेशन नेट टोटल नेट इफेक्ट नहीं करेंगे ये करने के बाद ओवरऑल आया है नेट बोला ना नेट का मतलब होता है ओवरऑल सो ओवरऑल रिटार्डेशन उसकी कितनी आई टू मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर

माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू एस टू सो वी बी कितना हुआ एट माइनस नाइनटी एट टू ए की वैल्यू माइनस टू इंटू एस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज माइनस फोर इंटू एस टू माइनस से माइनस कट गया फोर से ये कटा फिफ्टी थ्री ये कटा फोर्टी फाइव तो so, S2 आ गया 45 फाइव इंटू कैलकुलेट हो जाएगा टोटल हाइट हो जाएगी S1 वन प्लस एस टू हो जाएंगी समझ में आ गया मुश्किल तो नहीं है डाटा को देखो साथ साथ इंटरप्रेट करते रहो जो बोला उसको साथ के साथ करो क्लियर आगे देखिए फोर्टी नाइन्थ फोर्टी नाइन्थ क्या रहा है ड्यूरिंग द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स फ्री फॉल बॉडी कवर्स हाफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्री फॉल है लास्ट डिस्टेंस में टोटल हाइट h मान ली टोटल टाइम t मान लिया तो लास्ट second हो गया टीए सेकेंड टीए second में वो h by टू travel कर रहा है यही मतलब हुआ टीएथ second में वो कितना travel कर रहा है h by टू h निकालना है और टाइम निकालना है h और t निकालना है सो so, पहले ओ ए बी ओ से बी तक मैंने डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लिया मैंने डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लिया अब एस इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ जी टी स्क् रख लो और इसके बाद ए से बी तक का मैं डिस्टेंस ट्रेवल इन एन एच सेकंड लगा सकता हूं डिस्टेंस ट्रेवल इन एन एच सेकेंड इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन मानते हो बेटा क्वेट एच की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर वन एंड टू फर्स्ट की वैल्यू सेकंड में एच की वैल्यू है हाफ जी टी सो वन बाय फोर जी टी स्क्स वन जी बाय टू जी बाय टू टी स्क्वायर आ गया फोर टी माइनस टू तो टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस टू इक्वल टू जीरो यहां तक मानते हो स्प्लिटिंग हो नहीं रही डिस्क्रिमिनेंट से निकलेगा टाइम आ गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए टू कॉमन निकाल के काट दो टू प्लस माइनस ये कितना आया था एट आया था एट तो eight होता है टू रूट टू तो रूट टू सो टू प्लस रूट टू सेकेंड्स और टू माइनस रूट टू सेकेंड यह हो नहीं सकता क्योंकि इसका आंसर फिर पॉइंट में आता कौन से पॉइंट में जीरो पॉइंट समथिंग और एक सेकेंड तो यह दिया ही हुआ है लास्ट सेकेंड है तो ये टी एच सेकेंड है तो वन से तो ज्यादा ही होगा ना आंसर तो ये पॉसिबल नहीं है आंसर हो गया टू प्लस वन पॉइंट फोर वन थ्री पॉइंट वन फोर वन फोर वन फोर होता है थ्री पॉइंट फोर वन फोर सेकेंड्स ये टाइम आ गया और आपको क्या निकालना है हाइट भी निकालना है टी की वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट कर दो एच कितना आ गया हाफ नाइन पॉइंट एट इंटू नाइन पॉइंट एट इंटू थ्री पॉइंट फोर वन फोर का स्क्वायर कैलकुलेशन हो जाएगी कर लोगे कैलकुलेट ये हो गया नंबर फोर्टी नाइन फिफ्टी करता हूं पचास नंबर

सौ मीटर की हाइट है टावर की बॉल ए की बात करता हूं बॉल बी की बात करता हूं बॉल ए के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जीरो फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ड्रॉप तो मतलब इनिशियल स्पीड क्या हो गई जीरो बॉल बी को मैंने ऊपर फेंका है सो दैट इट जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ द टावर मतलब सौ मीटर पहुंचने के लिए उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है जीरो मतलब फॉर बी बॉल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू इंटू माइनस नाइन पॉइंट एट इंटू h मतलब 100 मीटर कितना हुआ u square equals to वन नाइन आ गया फोर्टीन root टेन मीटर्स पर सेकेंड पॉजिटिव लूंगा अपवर्ड मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है ये यू आ गया इस स्पीड से मैंने फेंका था अब आपको क्या निकालना है कितने टाइम में वो दोनों क्रॉस करेंगे ओरली भी कर सकते हो कैसे ऊपर से नीचे क्रॉसिंग टाइम निकालना है रिलेटिव 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 का का के रेलेटिव में क्या बोला था डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड डिस्टेंस कितना है सौ मीटर रिलेटिव स्पीड कितनी है जीरो प्लस दिस तो आंसर आएगा हंड्रेड अपॉन दिस मैथमेटिकली करते मान लिया कि वो एक्स एट वॉट हाइट डू द बॉल्स प्रास एक्स हाइट पे बॉल पास करती है तो ये हंड्रेड माइनस एक्स होगा टी टाइम में फॉर पॉइंट सी बॉल ए की अगर बात करता हूं उसकी इक्वेशन बनेगी एस नेगेटिव होगा ये क्योंकि डाउनवर्ड है इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस माइनस कट गया बॉल ए की बॉल बी की बात अगर कर करें बॉल बी की बात करें ऊपर फेंका है तो डिस्प्लेसमेंट हो गई एक्स इज इक्वल टू यू टी यू कितना फोर्टीन रूट टेन इंटू टी माइनस हाफ जी टी मानते हो बेटा यूटी प्लस आरबीडी स्क्वायर दोनों इक्वेश को एड कर दो सेकेंड एंड थर्ड को एड कर दो एडिंग टू एंड थ्री एक्स एक्स कट गया हंड्रेड इज इक्वल टू ये दोनों भी कट गए फोर्टीन रूट टेन इन टी तो टाइम आ गया हंड्रेड अपॉन फोर्टीन रूट टेन यही बताया था मैंने ओरली भी इतना सेकेंड आपको निकालना है हाइट तो एक्स निकालना है एक्स निकालना है तो ये वैल्यू को सब्सटीट्यूट इन सेकेंड थर्ड इक्वेशन एक्स कितना है या सेकेंड में पुट कर दो या थर्ड में कर दो कोई बात नहीं एक्स इज इक्वल टू फोर्टीन रूट टेन इन टू टी मतलब हंड्रेड अपॉन फोर्टीन रूट टेन माइनस हाफ जी डी स्क्वायर माइनस हाफ जी की वैल्यू नहीं दी हुई नाइन पॉइंट एट लेते इंटू टी स्क्वायर टेन से यह गया फोर्टीन इंटू सेवन टेन नीचे टेन से ये जीरो गया सॉल्व कर लोगे हंड्रेड माइनस ये अप्रोक्सीमेटली पच्चीस मीटर आ जाएगा सात सो सेवन टू फोर्टीन पचास

तो आपके पास आया x इज इक्वल टू फोर्टीन रूट टेन इंटू टी टी है हंड्रेड अपॉन फोर्टीन रूट टेन माइनस हाफ जी की वैल्यू नाइन पॉइंट एट नाइनटी एट अपॉन टेन लिख दिया टी स्क्वायर मतलब हंड्रेड इंटू हंड्रेड अपॉन फोर्टीन इंटू फोर्टीन रूट टेन का स्क्वायर हो गया टेन अब कटिंग करो टेन से ये टेन गया ये टेन से ये टेन गया फोर्टीन इंटू सेवन होता है दिस नाइनटी एट सेवन इंटू टू होता है फोर्टीन नीचे फोर आ गया ये पूरा पूरा कट गया हंड्रेड माइनस हंड्रेड बाई फोर पच्चीस आंसर आ गया 75 मीटर समझ में आई बात एक और देखो ऐसा फिफ्टी वन वो भी इसी टाइप का इज ड्रॉप ओरल पहले करेंगे ओरल सीखेंगे फिर उसके बाद मैथमेटिकल भी करेंगे फ्रॉम अ टॉप ऑफ टावर टू हंड्रेड मीटर हाई 200 मीटर की हाइट का टावर है आपने एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया ए मान लिया इसको इसको मैंने ड्रॉप किया यू जीरो 50 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंक दिया बी को वेन एंड वेयर द टू बॉल्स मीट कहां पर मीट करेंगे पहले तो वेन तो निकाल सकते हो शॉर्टकट क्या बताया टू हंड्रेड डिस्टेंस और रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई 50 आंसर आ गया चार सेकंड चेक करो आंसर चार सेकेंड उसके बाद डिस्टेंस निकालना है तो एस प्लस आवे लगा दो मैथम अगर मैथमेटिकल क्वेश्चन आ गया तो एक का मान लो ऊपर से फाइंड वेन एंड वेयर कोई नहीं बोला कितनी तो इसको एक्स मान लो ये कितना टू हंड्रेड माइनस एक्स इक्वेशन बनाओ ए के लिए इसमें ए, दो स्टेप और कम होगा इसमें तो यू गिवन है पिछले वाले में यू गिवन नहीं था सो so, अगर मैं ए के लिए लगा रहा हूं नीचे गिर रहे हैं अपवर्ड मैंने पॉजिटिव लिया है सो एस इज इक्वल टू जीरो माइनस ऑफ जी टी स्क् माइनस माइनस कट गया रख लो बी के लिए अगर लगा रहा हूं एस इज इक्वल टू यू टी माइनस ऑफ जी टी स्क्वायेयर नंबर टू एड कर दो दोनों इक्वेश्स को एक्स एक्स कट गया टू हंड्रेड इक्वल टू फिफ्टी टी टाइम आ गया फोर सेकेंड्स टाइम फोर सेकेंड्स को सब्सटीट्यूट कर दो फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट इन सेकेंड इक्वेशन एक्स की वैल्यू कितना आया फिफ्टी इंटू फोर एक्स की वैल्यू आई फिफ्टी इंटू फोर माइनस हाफ जी जी कितना दिया हुआ है टेन ले लेता हूं अभी कैलकुलेशन फटाफट करने के लिए वैसे नाइन पॉइंट एट लेना होगा दो सौ माइनस अस्सी आंसर आ गया 120 मीटर 9.8 लेता तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलग आता आंसर जो कि अलग आ रहा है 9.8 ले लो छोटा सा ये वैसे तो फर्क नहीं है हाफ 9.8 पॉइंट एट इंटू फोर इंटू फोर कटा टू सो टू हंड्रेड माइनस नाइन पॉइंट एट इंटू एट टेन इंटू एट एट्टी में वन पॉइंट सिक्स सब कर दो सेवेंटी एट पॉइंट फोर कितना आया 121.6 मीटर्स क्या आंसर है ठीक है समझ में आ गया 52 वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द ब्रिज एक ब्रिज से आपने एक बॉल को ड्रॉप किया एक ब्रिज से आपने बॉल को ड्रॉप किया 122.5 मीटर्स अब द रिवर ये रिवर है आपने एक ब्रिज से एक बॉडी को ड्रॉप किया After total height of 122.5 after the ball had been falling for two seconds, a second ball is thrown, bodies, second ball is thrown straight down the river. Throw किया, तो ये जब fall कर रही है, तो इसको नीचे आने में कुछ time लगेगा. Second को throw किया, मान लिया इसको t seconds लगे. Second को throw किया, thrown वट मस्ट बी द इनिशियल स्पीड दोनों सेम टाइम पे हिट करें जो सेकेंड है उसको यू से थ्रो किया यह दो सेकेंड बाद फेंका तो यह कितनी देर तक थी टी माइनस टू सेकेंड तक हवा में थी पहली बॉटी को ड्रॉप किया वो टी सेकेंड तक हवा में थी दूसरी को दो सेकेंड के बाद थ्रो किया तो वो कितनी देर तक हवा में थी दो सेकेंड कम तो फर्स्ट बॉल के लिए फर्स्ट बॉल के लिए इसको ए बोल दिया इसको बी बोल दिया बॉल ए 122.5 मैंने डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लिया इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इससे टी निकल जाएगा इससे टी की वैल्यू आ जाएगी देखते हैं जरूरत पड़ेगी कि नहीं सेकेंड बॉल की बात अगर करें एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ये सेकेंड बॉल के लिए आ गया ओ सॉरी टी माइनस टू मानते हो नो प्रॉब्लम तो पहले तो टी निकाल लो ये तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी टी निकाल लो फर्स्ट इक्वेशन से टी कैलकुलेट कर लो वन टू टू पॉइंट फाइव का डबल कितना हुआ टू फोर्टी फाइव इज इक्वल टू नाइन पॉइंट एट टी स्क्वायर, टी स्क्वायर हो गया टू फोर फाइव जीरो एट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया क्यों किया अभी बताता हूँ चार हजार नौ सौ और ये आ गया वन सिक्स परफेक्ट स्क्वायर बना दिया मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया वन नाइनटी सिक्स ऊपर फोर्टी नाइन हंड्रेड तो टी की वैल्यू कितनी आ गई ऊपर आए सत्तर नीचे कितना आया फोर्टीन आंसर आ गया पाँच सेकेंड कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी थोड़ा सा दिमाग लगा, टी आया फाइव सेकेंड सो वन ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव वन ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव इज इक्वल टू यू मुझे निकालना है इंटू थ्री प्लस हाफ नाइन पॉइंट एट इंटू थ्री स्क्वायर, तो आप तो आप यू निकाल सकते हो यहां से सब कुछ वैल्यूज पता है कैलकुलेट कर लो ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव इज इक्वल टू थ्री यू प्लस फोर पॉइंट नाइन इंटू नाइन फोर्टी फोर कैलकुलेट कर लो छोटी सी कैलकुलेशन है अस्सी के आसपास आएगा डिवाइड बाई थ्री पच्चीस छब्बीस के आसपास आंसर आ रहा है ठीक है समझ में आया तो ये था टिल क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री और फिफ्टी फोर आज नहीं फिफ्टी टू तक आगे के क्वेश्चंस अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास का टाइमिंग्स और सब डिटेल्स आपको मिल जाएंगे ठीक है थैंक यू वेरी मच